हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास बहुत ऐसे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि हम पंजाब के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, राजस्थान के या हम झारखंड के हैं तो हम अपने राशन कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत मंथन किया। बहुत मंथन करने के बाद एक वेबसाइट हमारे हाथ लगा जिसके जरिए हम पूरे भारत भर के जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट के राशन कार्ड का स्टेटस हम अपने मोबाइल फोन से कैसे चेक कर सकते हैं, इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने राशन कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, चाहे आपके पास राशन कार्ड हो या राशन कार्ड नंबर नहीं हो। यानी राशन कार्ड नंबर नहीं भी होगा तब भी आप अपने गाँव के हिसाब से, अपने जिला के हिसाब से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आई एम समीर एंड मस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर से हम आपको पूरा अपडेट देंगे कि आप किस तरह किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अपने राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या अपने राशन कार्ड का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपल आपको सर्च बार में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको टाइप कर देना है सर्विस, ठीक है फ्रेंड्स, सर्विस इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने टाइप कर दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सर्विस इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद इस वीडियो को हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। सिंपल सर्विस इंडिया आपको टाइप कर देने के बाद सर्च आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च आइकन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो फर्स्ट नंबर पर पेज ओपन होगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सर्विस इंडिया .gov.in आपको मिलेगा और नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, ये जो भारत गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है। सिंपल आपको जो फर्स्ट में लिंक ओपन होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा आप आ जाइएगा नेशनल गवर्नमेंट सर्विस के ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे आप पेज को अगर अच्छा से देखना चाहते हैं तो थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने एडजस्ट करके रखा है। उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, ये आप मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिये फ्रेंड्स मोस्ट व्यूज, देखिये फ्रेंड्स यहाँ से चेक ऑनलाइन योर आधार कार्ड डिटेल्स, चेक एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ राशन कार्ड। सिंपल आपको जो थर्ड नंबर में ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए फ्रेंड्स आप दिखाई देगा कि चेक राशन कार्ड डिटेल्स ऑफ पीडीएस बेनिफिशरीज ऑनलाइन। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे, सिंपल जो फर्स्ट नंबर में आपको लिंक ओपन हुआ है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि चेक राशन कार्ड डिटेल्स ऑफ पीडीएस बेनिफिशरीज ऑनलाइन, सिंपल आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फिर नया एक पेज ओपन होगा जहां से आपको देख लीजिए फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए फ्रेंड्स पीडीएस पोर्टल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल। इसके बाद सिंपल आपको आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पे पीडीएस बेनिफिशियरी रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने दो ऑप्शन मिलेगा कि राशन कार्ड डिटेल्स, नो राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस। तो हम अभी राशन कार्ड डिटेल्स पे वीडियो बना रहे हैं तो हम राशन कार्ड डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप राशन कार्ड डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने पूरा डिटेल्स इस प्रकार शो होने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलेगा राशन कार्ड डिटेल्स, यहाँ से आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स बहुत है, यानी भारत के अंदर जितने भी स्टेट है ऑल ओवर इंडिया पूरा स्टेट इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। एक इस वीडियो से आप पूरे राज्य का स्टेटस यानी राशन कार्ड का डिटेल्स आप चेक
चेक कर सकते हैं। सिंपल, बहुत से दोस्तों ने मुझसे कमेंट किया और पूछा कि पंजाब का कैसे करेंगे, हरियाणा का कैसे करेंगे, या उत्तर प्रदेश का हम कैसे करेंगे, बिहार का कैसे करेंगे, झारखंड का कैसे करेंगे। तो पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सिंपल हम बता चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी तक बता दिए हैं उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड के डिटेल्स में और बिहार के राशन कार्ड के डिटेल्स में। इसके बाद में आपको इनमें से किसी दो का ही बता दूंगा और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट वाइज निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब मैं नहीं बताऊंगा, एक को पर्सनली बता दूंगा तो दूसरा स्टेट वाला कहेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है, फेक है। तो इन सबसे बचते हुए मैं दो बता दूंगा। पहले मैं दिखा दे रहा हूं आपको राजस्थान, तो मैंने राजस्थान पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसको भी डेस्कटॉप साइट पे आप कर लीजिए ताकि पेज को अच्छा से और पूरा देख सके। उसके बाद राजस्थान जब स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। साथ ही आपको जब डिस्ट्रिक्ट के सामने देखिए फ्रेंड्स, रूलर है तो रूलर और अर्बन है तो अर्बन, रूलर मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आप रूलर है तो रूलर पे, तो मैं यहाँ से रूलर का चेक करके आपको बता रहा हूँ। मैंने रूलर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं पूरा अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत जब सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद यहाँ आपको फ्रेंड्स देखिएगा, आपको मिलेगा आपका विलेज, तो यहाँ से आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा एफपीएस नेम, तो जो आपको राशन कार्ड वितरण प्रणाली है, जो राशन कार्ड देते हैं उनका नाम यहाँ पे शो करेगा। आप अपने हिसाब से अपना नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल मैं यहाँ पे इंडिविजुअली किसी एक पर सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट करेंगे अपनी ग्राम पंचायत, तो आपके सामने जो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका राशन कार्ड नंबर कुछ इस प्रकार आएगा। अभी हाइड हो रहा है राशन कार्ड, उसमें आपको हम दिखाते हैं कि आप कैसे देख सकते हैं। सिंपल देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे राशन कार्ड हैं, तो मैं आपको सटपट दिखा दे रहा हूँ। एक किसी एक राशन कार्ड पर आपको क्लिक करना है। कैसे, चलिए आप अपना नाम यहाँ से देख लीजिएगा और फादर्स नेम मिला लीजिएगा, उसके बाद उसी के सामने आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ राशन कार्ड के नंबर पे। राशन कार्ड के नंबर पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। सिंपल आपको उसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिएगा, आपका राशन कार्ड देख लीजिए, राशन कार्ड वितरण, और यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर हाइड किया गया है, और कार्ड का प्रकार APL है, और देख लीजिएगा पूरा डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह राजस्थान के अगर आप हैं तो राजस्थान के राशन कार्ड के पूरा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। अब आपको बताते हैं कि जो राजस्थान के नहीं है, यानी अब बता देते हैं आपको, जो अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड के लिए, अगर आपसे नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके जितने भी स्टेट होंगे सब स्टेट को स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ से मैं अब फिर आ गया होम पेज पे। आने के बाद मैं अब आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे झारखंड से, यानी झारखंड का राशन कार्ड का डिटेल्स आप कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा झारखंड पे। झारखंड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, हमारे सामने झारखंड का ऑफिशियल साइट कुछ इस प्रकार ओपन होगा। देखिए फ्रेंड्स, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह का इंटरफेस जब आपके सामने ओपन हो, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, डेस्कटॉप साइड पे आपको कर देना है ताकि पेज को अच्छा से देख सके। उसके बाद यहाँ से अगर आपके पास दो तरीका है ढूंढने का, कैसे, अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ से राशन कार्ड डाल के कैप्चा फिल करके आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप कैसे चेक करिएगा, अगर आप नया राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है और आप चेक करना चाहते हैं तो। सिंपल यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट ब्लॉक आएगा, आपको यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे ही आप ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा, आपको एक देखिए फ्रेंड्स यहाँ रेड कलर में दिखाएगा सर्च रिपोर्ट आइदर विलेज और डीलर वाइज। तो यहाँ अगर आप गांव वाइज या वार्ड वाइज देखना चाहते हैं तो इस कैप्चा को फिल कीजिएगा, अगर आप डीलर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे गांव के हिसाब से बता दे रहा हूँ। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप गांव या वार्ड पे, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपना गाँव और वार्ड सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से आप अपना गाँव सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे वाला देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड टाइप
आपका कार्ड का प्रकार क्या है, यानी पीएच है या अंत्योदय है या उजला वाला है। तो यहाँ से आप अपना कार्ड के हिसाब से देख लीजिएगा। सिंपल आपको मान लीजिए अंत्योदय या व्हाइट, चलिए मैं अंत्योदय पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। मैंने डबल ए वाई यानी अंत्योदय कार्ड पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कैप्चा दिया है यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद, कैप्चा जब फिल कर लें तो सिंपल आपको यहाँ पे सबमिट का आइकन मिलेगा, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जितने भी आपके गाँव में राशन कार्ड आए होंगे पूरा राशन कार्ड का डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। इसमें यह भी बताया जाएगा कौन राशन कार्ड नया अभी बना हुआ है और कौन पुराना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे राशन कार्ड का डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 205 इस गांव में राशन कार्ड बनाए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको राशन कार्ड का नंबर मिलेगा, यहाँ पे राशन कार्ड का नेम, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड नेम, उसके बाद फादर्स नेम और कार्ड का टाइप, फैमिली काउंट कितने फैमिली है और यूआईडी काउंट आधार के अनुसार, यहाँ पे डीलर का आपका नाम देखने को मिलेगा। इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे राशन कार्ड आपको मिलेंगे जो नया बनाए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू, ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा न्यू और एनपीसीआई मैप यानी एनपीसीआई से लिंक किया हुआ है। देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारे राशन कार्ड जो नए बनाए हुए हैं और राशन कार्ड जो है उसमें पुराने भी है। तो आप इस तरह अपने नाम से, अपने गांव के हिसाब से आप देख सकते हैं जिस भी राशन कार्ड को आप देखना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर आप अपने स्टेट के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और वो भी इससे, अगर मान लीजिए कि उनको अगर दिक्कत हो रही है अपने राशन कार्ड के लेके, राशन कार्ड से इश्यू के लेके, तो उनको भी इसका दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।